वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहां बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और अर्थशास्त्र का जो पेपर का नाम जो हो जाएगा ना, आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है आप जो 2020 वगैरह सीरीज आती है, दिनेश वगैरह की बहुत सारी आती है, प्रदो वगैरह, पता नहीं क्या क्या, तो आप उससे या प्रखर प्रखर से जो भी आए, आपके जो पास जो भी है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, या फिर गैस पेपर है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे जो गैस पेपर होते हैं उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका पेपर का नाम आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत आपका हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत पेपर का नाम हो जाएगा, और आप इसमें देखने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। और जो भी छात्र एमजेपी आरयू रोहलखंड, एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, जिसे हम रोहलखंड यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर हैकर के द्वारा बताए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर हैकर YouTube चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं, समझ रहे ना? और आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप 2022 में टॉप करने वाले हैं, समझ रहे ना? 85% प्लस भाई, 90% के पास आप देखेंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखना मेरी बात को। अब आप क्या करोगे, अब आप करने क्या वाले हो, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको तुरंत ओपन करिए, और मैं टिक लगवा रहा हूँ क्वेश्चनों का, आप उन क्वेश्चनों पर टिक लगा लेना, ऐसे ऐसे बस उन क्वेश्चनों को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है? एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वालों, कोई भी दिक्कत है तो तुरंत बता देना। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको नोट करा देता हूँ, 7037 3278 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर जो भी आपका पेपर होता है उस पेपर को आप फोटो खींच के, या फिर मुझे, या फिर आप क्या करेंगे, फोटो, या फिर आप पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ या फिर फोटो, जो भी आपका फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींच कर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे, ताकि मैं आपको इस जो पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको मैं बता सकूँ कि देखो यही क्वेश्चन पेपर में आए, ये रिव्यू कर जा सकूँ, ठीक है? आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, आपका भाई बहन, ठीक है, आपका दोस्त हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है, तो आप उन्हें बताइए कि पेपर हैकर से बस आपको देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसकी पूरी तैयारी भी कराते हैं हम लोग, ठीक है? जो क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे वो तैयारी बताते हैं, शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों फ्रेंडों को जो भी है, आपका फैमिली मेंबर कोई भी है, उन्हें तुरंत पेपर हैकर के बारे में बताना है, ठीक है? अभी अभी और चैनल को सब्सक्राइब करा देना है, उनके फोन में चैनल को सब्सक्राइब करा देना है। यहां ध्यान से देखो मेरी बात को, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ बोला गया पहला क्वेश्चन बेटा इकोनॉमिक्स से ही उठता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, मान लीजिए हमारा पेपर इकोनॉमिक्स है, मतलब कि अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र कहते किसे हैं ये जरूरी होता है, समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थशास्त्र कहते क्या है, मतलब अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला, और ये वाला अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छप रहा है, ऊपरी होगा, देख लेना सबसे ऊपर लेकर, ये देखो कहते ना, ये कहते मांग के नियम, मांग के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट, मांग के नियम क्या है उनके, अब्बाद, अब्बाद का मतलब होता है उल्टा, समझ रहे हो? और उनका लोच, मांग की लोच क्या होती है, ये देखेंगे, टिक लगाओ अपने बुक पे। उसके बाद में देखो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, उसकी आलोचना करनी है, आलोचना समझते हो, आलोचनात्मक व्याख्या कहते हैं ना, आपने देखा होगा आलोचनात्मक व्याख्या करो, मतलब कि उसके बारे में जो दिल में आए ना वो कह दो, ठीक है ना? आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में वो चीज, उपभोक्ता की बचत की उस सिद्धांत के बारे में। यहां आप देख रहे हैं ना तटस्थता वक्र क्या होता है, ये जितना इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी आप एक बार पढ़ के जरूर जाना है। उसके बाद में इसको देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उत्पत्ति हौस नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसकी पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अवस्थाएं, कैसी अवस्थाएं होती हैं, कि उत्पत्ति हौस नियम के अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उस, और आप ये देखेंगे, देखो परिवर्तनशीलता के अनुपातों का नियम, परिवर्तन, परिवर्तनशीलता है उसके अनुपातों का नियम को याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको पढ़ के जाना है आप सभी को, ठीक है? चलो उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में होता है उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन को पढ़ लेना, जब उत्पादन फलन पढ़ोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है, देखिए यहाँ कह रहा है सम उत्पादन वक्रों की परिभाषा, जैसे कि आपको मिलेगा अल्पकाल और दीर्घकाल के उत्पादन फलों में अंतर बताइए, अल्पकाल और दीर्घकाल किसे कहते हैं ये पढ़ लेना, अल्पकाल और दीर्घकाल किसे कहते हैं, शॉर्ट में पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ के आ जाओगे आप, बना बना के लिख दोगे मुझे पता है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद में आप क्या करोगे, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है,
के अंतर्गत अल्पकाल की कीमत का वर्णन करना है। जो अल्पकाल यहां पढ़ोगे ना, ये यही आप यहां एक्सप्लेन कर दोगे बड़े आराम से पूरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना मेरी बातों को, समझ लेना। उसके बाद में है बाजार किसे कहते हैं, बाजार क्या होता है, बाजार में कौन कौन से तत्व होते हैं, मतलब कि बाजार का मतलब क्या होता है वो आप देखेंगे, ठीक है। अपूर्ण अथवा एका, देखो ये बात बहुत जरूर इंपोर्टेंट है, इसे कहते हैं एकाधिकात्मक प्रतियोगिता से आशय, ठीक है। और उनके संतुलन के बारे में, उनकी विशेषताओं को पढ़ लेना है, और एकाधिकार का वर्णन, एकाधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकाधिकार, ठीक है, उसका निर्धारण किस तरीके से होता है ये आप देखेंगे, ठीक है। प्रतिनिधि फर्म को छोड़ देना, प्रतिनिधि फर्म को याद कर लेना, प्रतिनिधि फर्म क्या होता है। बाजार की संरचना, मैंने ऊपर बताया ना बाजार किसे कहते हैं, ऊपर बोला बाजार किसे कहते हैं, तो वही उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मतलब वही होता है स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है। और यहां बोला गया है देखो कीमत निर्धारण के सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत, ठीक है, और वितरण सीमांत का सिद्धांत, ये देख रहे हैं ना, वितरण सीमांत, उत्पादकता सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, पूरे पेपर छप रहा है। अब मैं आपको बता दूं एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तो सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, कम से कम क्वेश्चन बन रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए अच्छे से पढ़ के जाओ, मेरी बात समझ लो, और उसके बाद देखो नीचे जाओ यहां, अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसने देना छोड़ दिया, अब दे रहा है टोटल रिटेन, समझ रहे हो। इसको देखो यहां हो गया, यहां कह रहा है नकद, देखो नकद कहते हैं नकद, और असल मजदूरी किसे कहते हैं, असल मजदूरी, तथा असल मजदूरी और नकद मजदूरी, लागन विष्ट सिद्धांत क्या होता है, इसको देख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, सिद्धांत तो सारे इंपोर्टेंट है, एक एक छपेगा आपका सिद्धांत, देख लेना मैं छुड़वा भी रहा हूं। और देखो कह रहा है हेप्स का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। उपभोक्ता का बचत अवधारणा कॉन्सेप्ट में ऊपर दे चुका हूं भाई, सिद्धांत को कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हैं, ऊपर पढ़ लेना है। सीमांत उपभोक्ता किसे कहते हैं, मांग की अड़ी लोच किसे कहते हैं, ये वाला अर्थशास्त्र सिद्धांत के बारे में ये पढ़ लेना, पुराना कल्याणकारी अर्थशास्त्र सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ेंगे। और ये अब देख सकते हो कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, ये भी मैं ऊपर दे चुका हूं, और यहां लास्ट में हम देखेंगे, देखो ध्यान से, ये हो गया भेदपूर्ण एकाधिकार के आशय, एकाधिकार मैंने ऊपर बताया था ना, भेदपूर्ण एकाधिकार वहीं बना बना के लिख देंगे। और रीज जो होता है, रीज रेखाओं का वर्णन, इसको तो इंपोर्टेंट नहीं कहूंगा इतना, लेकिन ये कह रहा है ना ब्याज बेलता का वर्णन सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्याज की तरलता, ठीक है, पसंदगी सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद में आता है मूल्य विधिनिकरण की नीति क्या है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, विभेदनीकरण की नीति के बारे में। और लास्ट में ये क्वेश्चन हो जाएगा पैमाने की प्रतिफल निर्धारण का फल, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, कह सकते हैं पेल्ट्री अनुकूलता का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले, सुन लो ध्यान से, सारे क्वेश्चन फंसेंगे। यदि आपको टॉप करना है ना, टॉपर बनना है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 दिन आपके पास में है, 12 तारीख को पेपर है, ध्यान से देख लेना मेरी बात को, बस इतना पढ़ लो, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर। बस यही कहूंगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका सलूशन निकाल के आपको दूंगा, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कराएंगे, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन जो भी हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के जितने फोन हैं, आप सभी में पेपर हैकर को सब्सक्राइब करा दीजिए चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।